spoken. Don't ever forget your golden. I will find a light in you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेफ होंगे इंशाल्लाह। हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से। मैं आज जा रही हूँ बच्ची को टीका दिलवाने के लिए, जो कि 6 वीक्स के बाद होता है। तो तैयारी चल रही है जाने की हॉस्पिटल। BCG का टीका तो हॉस्पिटल में ही लगवा दिया था, उसके बाद का ये टीका है, 6 हफ्ते बाद का टीका, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। वैसा दिल तो नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी लगवाने का, बट क्या करें, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए वैसे भी इतने सारे इन्फेक्शंस, बीमारियां फैली हुई हैं, तो ज़रूरी था लगवाना। पर मैं भूल गई कि बर्फ़ भी जमानी थी, तो फिर जाने से पहले मैंने फिर बर्फ़ जमने के लिए रख दी, तैयार हो गई थी और सारा दिन के लिए बनाकर जा रही हूँ। दाल चावल, पापड़, अंडा वो आकर तल लूँगी। बड़े बच्चे भी घर में थे आज, तो परेशान ना हो जाए खाने में, किसी को भी कुछ तकलीफ़ ना हो, इसीलिए पहले से ही बनाकर रख डाला था मैंने। क्योंकि नेहा का पता नहीं था कैसा रिएक्ट करेगी, कैसा बिहेव करेगी। ऑब्वियसली पेन तो होगा, एज अ पेरेंट्स हम कर भी क्या सकते हैं। सर्दियाँ बहुत है, इसलिए बहुत वार्म इसको लेकर जा रही हूँ ताकि बच्ची को हवा ना लगे। एक दिन पहले ही मैंने नेहा को नहला लिया था, क्योंकि 2-3 दिन तक तो बहुत पेनफुल होने वाला है इसीलिए। और फिर हम लोग निकल गए थे, डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। ये वैक्सीन 6 हफ्तों के बाद की है, तो इसमें 8 बीमारियां कवर हो जाती हैं, जैसे काली खांसी, रोटा वायरस, डायरिया, निमोनिया और इंजेक्टेबल पोलियो का इंजेक्शन, जो ऑब्वियसली पोलियो के अगेंस्ट होता है। वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तो दिलाना ज़रूरी था। फिर घर में डिस्कशन चल रही थी कि पेनफुल इंजेक्शन ले या पेनलेस इंजेक्शन ले। मालूम करने पर पता चला कि 20% तक ही फ़र्क है इंजेक्शन का। जो 3 टीके लगने थे वो 1 में ही वो लोग दे देते हैं, लेकिन पेन तो होता ही है बच्चों को, तो फिर हम लोगों ने इसीलिए पेनफुल ही ले लिया। और काफ़ी कॉस्टली भी था पेनलेस इंजेक्शन, बड़े बच्चों को भी यही दिलवाया था, तो फिर नेहा को भी यही डिसाइड किया कि यही दिलवाना है। ड्रॉप्स डाले, 3 इंजेक्शंस लगे, 2 पैरों पे, 1 हाथ पे। ये मोमेंट बहुत ही दिल रुकने वाली मोमेंट थी हर मम्मीज़ के लिए, फादर्स के लिए भी होती होगी, पर जाहिर नहीं करते तो पता नहीं चलता। घर पे मम्मी भी आ गए थे 1 दिन पहले, क्योंकि दूसरे दिन इंजेक्शन था, तो नेहा से ही डर लग रहा था कि क्या करेगी पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा सताया नहीं, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हुई, रोया धोया, ऑब्वियसली सबके बच्चे करते हैं, वो तो नॉर्मल है। 2 दिन बुखार भी था, बट हम लोगों ने फिर क्रोसिन ड्रॉप्स दिए, हर 6 घंटे बाद तो फिर आराम से सो गई। IPV का फुल फॉर्म क्या है मैडम? IPV का फुल फॉर्म मामा
पोलियो का घर आ गए। नेहा सो रही थी तो मैंने फिर खेगी क्या करेगी पता नहीं, मम्मी के पास थी। मैंने जल्दी जल्दी से जो बाकी के काम थे वो सारे निपटा लिए। अंडा तलना था, कुछ फ्राइज तलने थे और नेहा और मदीहा को भी अंडा ब्रेड बनाना था। तो फिर मैं जल्दी फ्री होना चाहती थी चूल्हे के पकवान के कामों से। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लिए और फ्री हो गई थी। एक ही कढ़ाई में मैंने फ्राइज तले, अंडे भी तल दिए और टोस्ट भी बना दिया था। नो इंटरेस्टेड कुकिंग बनी थी आज और जो भी हो सकता था कर लिया। और मम्मी थे तो सदखा भी दे दिया, क्रोसिन ड्रॉप्स डाल दिए। बेटर है कि आप डॉक्टर से एडवाइस कर लो। कोल्ड प्रेस भी बच्ची को दे दिया था, जहाँ स्वेलिंग थी वहाँ एक थिक सा कपड़ा लेके उसमें बर्फ़ डाल के सेक दिया था बच्ची को। बहुत ज़्यादा आराम आ गया था, दिन बहुत रोलर कोस्टर जैसा गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह संभल भी गया, अल्लाह का शुक्र है। इसी के साथ वीडियो की एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ तो वो भी सुनते जाइएगा। वीडियो की एंड होने लगी है तो हदीस भी शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत सात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत की मदद उसकी काबिलियत और सलाहियत के बुनियाद पर नहीं फरमाते बल्कि कमज़ोर और खस्ता हाल लोगों की दुआएं, नमाजें और उनकी इखलास की वजह से फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। वीडियो कहीं पे भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे मेरी फैमिली के साथ दुआओं में याद रखना, मैं भी आप सबको रखूँगी इंशाल्लाह। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।